भाई 450 सीसी की ये बाइक है और रॉयल फील्ड की ये फर्स्ट ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम देखने को मिलने वाला है। बाकी एक इस गाड़ी में एक और एक यूनिक सी चीज है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस बाइक में पीछे से हेड लाइट तो इसमें है ही नहीं, तो टेल लाइट इसमें है कहाँ पे? देखना मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, देखते कितनी तेजी करूंगा। भाई जो भी बंदे ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो यार बनता ही बनता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन व्लॉग्स। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ रॉयल फील्ड की एक ऐसी बेहतरीन मोटरसाइकिल जो कि अभी अभी बिल्कुल लॉन्च हुई है और सबसे पहले आपके भाई के यूट्यूब चैनल पे इसका राइड रिव्यू सीधा सीधा आ गया। भाई रिव्यू भी नहीं लाया मैंने, कहा यार रिव्यू बहुत बना चुका हूं, सीधा राइड रिव्यू लेते हैं, इसको रोड पे उतारते हैं। बहुत अच्छी एकदम, आप देख सकते हो एकदम खुली वाली रोड पे हम लोग आए हैं आज। इसका बहुत ही अच्छे से इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम लोग कर लेंगे। भाई 450 सीसी की ये बाइक है और रॉयल फील्ड की ये फर्स्ट ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम देखने को मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग इसके इंजन की पावर की बात करें ना तो यहाँ पे आपको 40 पीएस की पावर देखने को मिल जाती है भाई। एंड टॉर्क की बात करें तो 40 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलने वाला है भाई इस बाइक में। सो पावर फिगर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी टायर्स की क्वालिटी की बात करें भाई, इतने वाइड टायर इसमें दिए गए ना आप सोच नहीं सकते। जो 390 सीरीज भी आती हैं वो भी 150 सेगमेंट का टायर देती हैं बैक में और आगे 110, बट इसमें क्या किया गया भाई, इसमें फ्रंट में 120 mm का टायर दिया हुआ है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्रॉड है अलॉय व्हील के साथ। एंड आप बैक टायर को देखोगे तो ये आपको 160 mm का आपको टायर देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ब्रॉड है। बाकी डिस्क प्लेट की बात करें तो बैक की जो डिस्क का साइज़ है वो 270 mm है और फ्रंट डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 320 mm की आपको डिस्क प्लेट देखने को मिलती है। और कैलिबर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बाइब्री के ट्विन पिस्टन कैलिबर फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं भाई। एंड बैक में आपको यहाँ पे सिंगल पिस्टन कैलिबर आपको देखने को मिलेगा बाइब्री का। वहीं पे अगर इसके साइलेंसर की बात करें तो बहुत ही स्लिम टाइप का एक एग्जॉस्ट बनाया गया है, मतलब थोड़ा सा छोटा है बट बल्कि है। और भाई आवाज़ तो बहुत ही तगड़ी है। गाड़ी न्यूट्रल है, आपको एक बार इसका साउंड में सुना देता हूँ। हाँ ठीक है, सुनना। पहले आप ऐसे ही सुनो, काफ़ी अच्छा साउंड है भाई। अब मैं इसका रेव करता हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो भाई कुछ ये था इसका साउंड। और बाकी एक इस गाड़ी में एक और एक यूनिक सी चीज़ है, आपने शायद से पीछे से इसका गौर किया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस बाइक में पीछे से यार टेल लाइट तो इसमें है ही नहीं, तो टेल लाइट इसमें है कहाँ पे? अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो टेल लाइट है ना भाई वो इसके यहाँ इंडिकेटर्स में आप देख रहे होंगे। अभी ये थोड़ी सी मतलब रेड रेड है भाई, जरा आगे जरा ब्रेक प्रेस करना है ऐसे। ये देखो अब जैसे वो भाई आगे ब्रेक प्रेस कर रहा है तो यही आपका रेड लाइट जलेगी, यही आपकी टेल लाइट और यही आपका इंडिकेटर भी है। ऑन करके दिखाता हूँ, ये मैंने इंडिकेटर ऑन किया, आप देख सकते हो राइट का इंडिकेटर हो रहा है और यही आपके टेल लाइट भी है। तो ये इसमें मेरे को एक काफ़ी एक यूनिक पॉइंट लगा हुआ है। बाकी जो टैंक कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हिंदी बोली, 11 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई। और ये भी आपको देख सकते हो E20 इथेनॉल फ्यूल सपोर्ट कर रही है भाई ये बाइक। और मिरर्स की बात करें तो मिरर्स की क्वालिटी भी यहाँ पे रॉयल फील्ड ने काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रखी हुई है भाई, और 1% भी वाइब्रेशन नहीं है। मैं अभी इसको राइड करके ही आया हूँ 2-3 किलोमीटर, बिल्कुल मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। परफॉर्मेंस तो एक नंबर की भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पावर है। और क्लच की बात करें, स्लीपर क्लच आपको देखने को मिल जाता है भाई। लीवर्स यहाँ पे आपको नॉर्मल वाले देखने को मिल रहे हैं, एडजस्टेबल नहीं है। और बटन्स की बात करते हैं तो ये आपका हजार्ड का स्विच है आगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आगे आपको हजार्ड का स्विच देखने को मिल रहा है। फिर ये आपका इंजन किल स्विच है, फिर यही आपका आगे आपका सेल्फ है, फिर ये आपका ये मोड बटन दिया हुआ है, दो मोड है। और सब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मीटर का, देखो मोड वाला, ये देखो मीटर ऑन हुआ है, गोरिल्ला लिख कर आ रहा है, ये आपका मीटर ऑन हो गया आप देख सकते हो। और अब मैं यहाँ पे ये एम बटन को प्रेस करता हूँ, ये मैंने एम बटन प्रेस किया, आप देख सकते हो राइड मोड, परफॉर्मेंस ABS ऑन है।
इसको दोबारा प्रेस करा, ये आपका इको मोड आ गया और ये आपका परफॉर्मेंस मोड। तो यही दो मोड इसमें दिए गए हैं, बाकी और कोई इसमें मतलब इतना मोड में उतना कुछ खास है नहीं। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, ये आपका इसमें रबर का प्रोटेक्टर दे रखा है। एंड बैक की सस्पेंशन की बात करें तो बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है भाई, जो कि ऐसे थोड़ा सा मतलब लैंडस्केप में दिया गया है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड सारी गार्ड देखने को मिलता है, लेडी फुटरेस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड भी इस बाइक में प्रोवाइड किया गया है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी गियर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पे सामने में ये गार्ड भी आपको देखने को मिलता है, इंजन गार्ड, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा भाई देखने में। यहाँ पे सामने आपका ये रेडिएटर है। अगर हम इसके फ्रंट लाइट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल LED में हेडलाइट देखने को मिलने वाली है भाई, इंडिकेटर्स भी आपको पूरे फुल LED में देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आपको ये नंबर प्लेट का सेटअप देखने को मिल जाता है भाई। और मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइबर बॉडी पे आपको मडगार्ड देखने को मिलता है, मडगार्ड के इधर साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे भाई दोनों साइड में। एंड बैक में भी यहाँ पे भी आपको फाइबर बॉडी पे इसकी टेल टाइडी देखने को मिलती है काफ़ी लॉन्ग। यहाँ पे कोई भी टायर हगर वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आगे यहाँ पे आपको मफलर देखने को मिल जाएगा, जो कि सस्पेंशन के पास कीचड़ वीचड़ जाने से रोकेगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो भाई अब एक काम करते हैं, चलते हैं अब इस बाइक को थोड़ा सा मतलब भगा के देखते हैं। बातें बहुत हो गई हैं, अब सीधा भगाते हुए बात करते हैं, प्राइस एकदम लास्ट में जानेंगे। चलो I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game, now we say. So guys, chalo ab isko bhagate hain pehle gear pe. ये भाई कुछ कहने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है भाई, बाइक का बहुत बढ़िया है। और ब्रेकिंग एकदम नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है भाई, मैंने आप यकीन नहीं मानोगे, फ्रंट ब्रेक को और पिछली ब्रेक को दोनों को एक साथ मैंने मुश्किल से 20-20% मैंने अप्लाई किया था यार, 20-20%, बहुत तेज़ गाड़ी ने रोक दिया। और यहाँ पे रोड थोड़ी सी ख़राब है, तो अब इसकी ऑफ रोडिंग टेस्ट कर लेते हैं, जरा देखें कैसी चल रही है भाई। टायर की क्वालिटी पीछे 160mm है यार, तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है भाई टायर की भी। तो अभी और भगाते हैं, बट पहले थोड़ी सी रोड अच्छी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये गिट्टियाँ वगैरह पड़ी है ना, मोरंग और गिट्टी, तो यहाँ पे गाड़ी स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है हमारे, तो उतना नहीं भगा सकते। बाकी ऑफ रोडिंग का पूरा एक फील लेंगे। और आप देख सकते हो एक कॉकपिट का व्यू कितना अच्छा आ रहा है भाई। और टैंक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, 11 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड अगर माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज यहाँ पे आपको 25 का कंपनी क्लेम कर रही है हाईवे पे भाई, 25 का हाईवे पे, 25 से कितना, 25 से 30 आपको करेगी हाईवे पे ये। बाकी सिटी में अगर आप चला रहे हो और भगाओगे ना भाई, तो 20 से 25 ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। बट भाई ठीक है यार, हम लोगों को अपना पावर देखना है भाई। अगर कोई बंदा भाई 3 lakh rupees खर्च कर रहा है, हाँ देखो प्राइस इसकी 3 lakh की आती है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसको अगर कोई ले रहा है ना भाई, तो वो पावर के परफॉर्मेंस के उस पर ले, क्योंकि भाई ये गाड़ी एक नेक्स्ट लेवल की है भाई। आप यकीन नहीं मानोगे भाई, ये है 450cc की, बट ये GT650 को फेल करेगी, रियलिटी बता रहा हूँ। भगाते देखो, देखा आपने भाई, मतलब इतनी तेज इसका पुल है। अब एक काम करता हूँ, बट चलो ठीक है, सेकंड गियर पे है, और देखना मैं इस गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, देखते हैं कितनी तेजी से करूँगा। ये देखो नेक्स्ट लेवल पावर है भाई, 120 चली गई थी, और कार को ओवरटेक करने की बात करी थी, ओवरटेक के साथ इतनी तेजी से मैंने इसको पुल किया है, इतनी तेजी से मैंने इसको पुल किया है कि पूछो नहीं। अब चलते हैं अपनी लेन में भाई, और भाई परफॉर्मेंस यार क्या बताऊं, अगर कोई न्यू है मतलब कोई बिगनर अगर इसको जाएगा ना, वो इसकी परफॉर्मेंस भाई झेल नहीं पाएगा, कसम बता रहा हूँ। बिगनर हो स्टार्टिंग से एकदम से गोरिल्ला 450 पे मत जाना, इसकी परफॉर्मेंस को आप नहीं संभाल पाओगे भाई। एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए इस बाइक को भगाने के लिए भाई। और अगर आप कहोगे इस बाइक का माइलेज टेस्ट या गियर चैलेंज वगैरह लाने के लिए, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा वीडियो। बाकी चलो एक बार आप इसको सेकंड गियर पर करके दोबारा से भगाते हैं थोड़ा सा।
गाड़ी का सेकंड गियर देखा था, सेकंड गियर इसका 78 पे हुआ था हीट, एंड थर्ड गियर इसका हुआ था शायद से 97 या 98। अगर आपको वीडियो में हो दिख रहा हो तो आप एक बार रिवर्स करके देख लेना वीडियो को। एंड मैं बाइक को यहाँ से वापस टर्न लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना है भाई, उस साइड में करके रोकता हूँ एक बार गाड़ी को और आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ यहीं पे किनारे उतर के। ये मैंने करा गाड़ी बंद, लगाते हैं स्टैंड। भाई गाड़ी की मतलब इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस है, मैं खुद इसकी पावर से थोड़ा सा अंदर से डर सा गया हूँ, बट ठीक है यार, हम तो एक्सपीरियंस बनते हैं। आप लोग ऐसा कुछ भी कभी भी ट्राई मत करना भाई, जो भी नया बिगिनर है अगर कुछ भी ऐसा ट्राई मत करना। हम लोग आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना यार वीडियो के अंदर। और तो और भाई, जो भी बंदे ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो यार बनता ही बनता है, ठीक है, एक सब्सक्राइब भी कर देना प्यारा सा। और चलो अब एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट गियर से लॉन्च करते हैं, एकदम प्रॉपर वाला लॉन्च करेंगे। चलो देखते हैं, प्रॉपर लॉन्च करने वाले हैं आज हम लोग भाई गाड़ी को। तो गाइस ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, आपका भाई तो एकदम सेफ रोड में, और देखो राइडिंग जैकेट वगैरह सब पहना हुआ है, कुछ भी ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है। तो 1 2 3 गो। यार 100 प्लस इतनी तेज जा रही है कि कुछ कहने को नहीं, 0 to 100 बहुत तेजी से इस बाइक ने अचीव करा है। मैं थोड़ा सा और पुल करना चाहूंगा लेकिन फोर्थ गियर पे करूंगा, फोर्थ गियर पे देखते हैं इसकी पुलिंग पावर कितना अच्छा है, 40 NM का टॉर्क है, तो चलो देखते हैं। भाई 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 बहुत तगड़ा पुल कर रही है, बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया। एंड यार सबसे प्यारी चीज बाइक के जो शॉकर्स हैं, रोड ये जो बनी है ना भाई अभी नहीं, बट इसमें भी काफी बम्स बने हुए हैं, बट जो इसके शॉकर जो वर्क कर रहे हैं ना आगे के भी एंड बैक के भी, बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहे हैं। और ब्रेकिंग तो एक नंबर की भाई, ब्रेकिंग के बारे में भी कुछ मेरे को डाउट नहीं है, वाइब्रेशन भी 1% नहीं है। अगर कोई बंदा रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 की तरफ अगर जा रहा है ना, आग बंद करके चले जाओ भाई, बाइक के आग बंद करके चले जाओ, ये बाइक एकदम बेटर ऑप्शन है आप सब लोगों के लिए, एकदम बेटर है। ऑफ रोडिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है भाई, सेकंड गियर पे कर दिया, चलो ऑफ रोडिंग देखते कैसी होगी। वैसे भी इतने मोटे मोटे टायर्स बने हुए हैं इसमें, इतने मोटे मोटे टायर्स लगे हैं, ऑफ रोडिंग करने में कुछ तो मजा आएगा। दिल भाई सही में मजा तो आ रही है, मतलब मजा तो आ ही रही है भाई। एक मतलब कहते ना जो इन सब गिट्टियों में टायर जो हल्के फुल्के स्किड करते हैं, अरे यार कुछ लग ही नहीं रहा है, देखो बिल्कुल भी स्किड नहीं कर रहा, मैं एकदम इंजॉय कर रहा हूँ भाई इस बाइक को। अभी भगाएंगे, बिल्कुल भगाएंगे, पहले रोड अच्छी से क्लियर हो जाने दो। दीदी क्या हो गया, ऐसे मत रुकिए प्लीज। चलो यार जल्दी से रोड अच्छी हो जाओ, आने वाली रोड अच्छी फिर भगाते हैं इसको। और तो अभी आपने देखा ना मैं मतलब कितने अच्छे से बाइक को एंजॉय कर पा रहा हूँ फुल। अभी वापस है थर्ड गियर पे हैं, अभी सेकंड गियर पे लाके दोबारा से पुल करने वाले हैं भाई हम लोग, सेकंड पे आ गए हैं, अभी पुल करते हैं वैगनार को जाने देते हैं। और चलो ओवरटेक करते हैं, और कितनी तेजी से ओवरटेक जाने वाला है इसका, ये देखो ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। भाई वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो कोई भी तो यार प्लीज़ एक बढ़िया से एक सब्सक्राइब और एक बढ़िया से एक कमेंट करके जाना, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको हमेशा दिखती रहे। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।